तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको PUBG मोबाइल के 0.15.0 के कुछ ऐसे अपडेट के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप यार मतलब दीवाने हो जाएंगे भाई। 2050 का मोड PUBG न्यू स्टेट वाला PUBG मोबाइल में आ चुका है, ठीक है, पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो चुका है, टेंशन मत लो। अगर आप PUBG न्यू स्टेट नहीं खेल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस तो आप PUBG मोबाइल के 1.15.0 में कर ही पाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ है, जब तक यह अपडेट आएगा तब तक BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ जाएगा, तो यह सारे अपडेट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप घंटी को दबा देना, इतना तो आपको करना है। इसके बाद में आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भाई गिवे होने वाला है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली हम प्लेन में आ चुके हैं और मैं आपको बता दिया ऑटो जंप का ऑप्शन आया है और जो सारे नाम है वह 3D में आ चुके हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, हमने आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली जॉर्जो पुल, ठीक है, जॉर्जो पुल चलेंगे ऑटो जंप करके। तो फाइनली हमने जंप कर दिया, आप देख सकते हैं जॉर्जो पुल कितना बड़ा 3D में दिख रहा है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना है भाई, कंप्लीट वीडियो देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। तो फाइनली हमने लैंड कर दिया है, सबसे पहले हम कोई गन ले लेते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई एनिमी आया होगा तो भाई हमारी वाट लगा देगा, फिर हमको दोबारा आना पड़ेगा मैच में, तो मैं ये नहीं चाहता भाई हमको दोबारा मैच में आना पड़े। आप देख सकते हैं मोली का जो स्किन है यानी जो उसका कलर है वह चेंज हो गया भाई, मतलब कतई जहर यार। तो चलिए सबसे पहले एक डॉग है सामने, उसको अनलॉक करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई गन ले लेते हैं यार, अभी तक गन नहीं मिली है। ओके तो फाइनली हमको M4 मिल चुकी है, अब हम इस डॉग के पास आते हैं। अब आपको यहाँ पर आने के बाद में इसको एक बार क्लिक करना है, और यह चाइनीज में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो यह आपका पेट हो जाएगा, यानी आपको बताएगा जो सारी लूट है, लेवल 3 है, 4X है, 6X है, 8X है, कहाँ पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसने बता दिया कि लेवल 3 का जो हेलमेट है इधर है, लेवल 3 का वेस्ट वहाँ पर है। तो चलिए हम एक बार लेवल 3 का हेलमेट लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वाकई में है या नहीं है। वो भाई कंटेनर के अंदर है, तो ओ भाई फाइनली हमको लेवल 3 का मिल चुका है, और यह पेट आपके साथ आएगा, ठीक है, यह जो डॉगी है आपके साथ घूमेगा फिरेगा। अगर कोई एनिमी इसके ऊपर फायर करता है या तो आप फायर करते हैं तो यह मतलब वहीं पर डिसमिस हो जाएगा यानी मर जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ओ भाई सामने भी एक लेवल 3 है और एक लेवल 3 यहाँ पर था। ओ भाई यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है भाई, ओ भाई। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है पता नहीं, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ओके तो आप देख सकते हैं कि नीचे लेवल 3 का दिखाने लगा, तो चलिए हम लेवल 3 ले लेते हैं। दोस्तों काफ़ी कमाल का पेट है, अगर आप आ जाते हैं ना तो आपकी अच्छी खासी लूट हो जाएगी, यानी भाई स्कोप मिल जाएंगे और जो हेलमेट वेस्ट है आपको लेवल 3 के लेवल 2 के सब कुछ मतलब दिखा देगा, बता देगा यहाँ पर है। तो फाइनली ये जो डॉगी है आपको सारे सामान मार्क करके बता देगा, सर्च करके बता देगा कि कहाँ पर कौन सी सामान पड़ी है। ओके और दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे इतने मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि क्या बोलूँ यार, भाई मैं भी कभी कभी काम करते रहता हूँ भाई, आप लोग समझा करो थोड़ा सा यार। ओके तो चलिए अब यह जो चीज़ है इसको हम थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है, जो हमको मिला था इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सामने एक एनिमी है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ओ भाई तो यहाँ पर कुछ लाइट निकल रही है, क्या है भाई ये क्या है, ऊपर ऊपर जाने का कोई रास्ता है क्या, ओ भाई क्या है, साला बोट भी परेशान कर रहा है यार, बोट को मारना पड़ेगा, लेकिन है क्या चीज़, पहले बोट को मार देते हैं, ठीक है, बहुत परेशान कर रहा है। ओ भाई यहाँ पर एक बॉक्स बन गया यार, ओ माँ कसम क्या बात है भाई, इसमें तो अच्छी खासी लूट मिल गई हमको। तो दोस्तों यह बॉक्स है लूट वाला, ठीक है, मतलब भाई मैं भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ ना, आप देख सकते हैं मैसेज, इतने मैसेज, बाप रे बाप, मैं परेशान हो जाता हूँ यार लोगों से। तो भाई आप देख सकते हैं यह जो बॉक्स है कुछ इसी तरह से काम करने वाला, यानी लूट बॉक्स है, जब आपको मिले तो आप कहीं पर इसको छोड़ देना, ड्रॉप की तरह धुआं निकलेगा और इसमें कुछ तो आ जाएगा जादू मंत्र से इसके अंदर। अब क्या मिलेगा इस डब्बे के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा सा टावर है, यह बड़ा सा टावर है और यह टावर एक गुलेल है, ठीक है, यह टावर एक गुलेल है यानी गुलेल की तरह काम करता है, आपको ऊपर उठा के फेंक देगा और आप कम से कम नहीं तो
2500 मीटर जितना आप प्लेन से जंप करके जाते हैं ना, उतना आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। ओ भाई सामने भी एक बॉक्स है, एक ऐसा बॉक्स है, जरा हम देख लेते हैं। ओके, ओ भाई ये तो सील्ड है, सील्ड है, सील्ड है। ओ भाई यानी हम सामने सील्ड बना सकते हैं, जब भी एनमी आए तो हम बचने के लिए थोड़ा सील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रास्ते में इस सील्ड को यूज करते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेन है भाई, यह ट्रेन मतलब कतई खतरनाक है। ओ भाई आप देख सकते हैं रुकती नहीं है, इसका स्टेशन है जगह जगह पर, आप जाके वहाँ पर बैठ सकते हैं, बाकी दूसरे स्टेशन पे उतर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं है, आप देख सकते हैं कि मैं सील्ड डाल दिया, अभी ट्रेन आएगी तो मज़ा आएगा। तो सील्ड कुछ इसी तरह से दिखने वाला है, और यह जो सील्ड है भाई पबजी न्यू स्टेट का कॉपी है, ठीक है, कॉपी है। ओके तो ओ भाई ट्रेन चली गई, सील्ड को कुछ भी नहीं हुआ यार। तो दोस्तों आप इस शील्ड का कुछ इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कवर ले सकते हैं, और सामने से जब बंदा फायर करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। यह शील्ड फटती ही नहीं भाई, मैं इतना फायर किया फटती ही नहीं भाई। अगर ऐसी शील्ड मिल जाए तो फिर यार मतलब कुछ भी नहीं होने वाला भाई, एक बार चारों तरफ से शील्ड लगा के बैठ जाओ, उसके बाद में घंटा नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हैं ओ भाई शील्ड तो बहुत खतरनाक होने वाली है। ओके, तो फाइनली अब हम यहाँ पर आ गए, अब चलिए हम इस पे बैठते एक बार, जरा सफर करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम कहाँ तक सैर कर पाते हैं, कितने ऊपर तक जा पाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। ओ भाई अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फायर का ऑप्शन है राइट साइड में, तो जैसे आप क्लिक करेंगे क्लोज होगा, और ये आपको आप देख सकते हैं, ओ भाई ये देखो ऊपर फेंक दिया, ठीक है, कितना ऊपर, ओ भाई बहुत ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ऊपर। तो अब हम चलिए चलते देखते हैं कि हम यहाँ से कितना दूर ट्रेवल कर पाते हैं, ठीक है, एक बार जंप होने पर कितना ट्रेवल कर पाते हैं। तो चलो, ओ भाई हम काफ़ी दूर आ गए, आप देख सकते हैं पुचिंग की आ गए, और सामने एनमी है, बोट है, बोट बोट एनमी नहीं बोट है। ओ भाई आप देख सकते हैं हम काफ़ी दूर आ गए, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई, गुलेल की तरह है, आप एक बार बैठ के उसमें जब जंप करेंगे ना तो आप काफ़ी दूर आ जाएंगे, ठीक है। सामने टावर है क्या, अब चलिए हम ड्रॉप में चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता कोई नई चीज़ आई हो। ओके ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर एक व्हीकल भी है जो पबजी न्यू स्टेट से कॉपी है भाई, कॉपी है। तो यह व्हीकल आपको अभी पबजी में मिलेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसका लुक है कुछ इसी तरीके से है। तो आपको सिंपली बैठ जाना है और मस्त, ओ भाई आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है भाई, इसकी आवाज़ भी कितनी कमाल की है। ओ भाई आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक बाइक है भाई ये, तो मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए हकीकत में, लेकिन मिलेगा कहाँ यार, नहीं मिलेगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं, चलिए ड्रॉप में देखते हैं क्या है। तो हमको यहाँ पर AWM मिल गया, ओम मिला। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, देखते हैं जो इसका एंड पॉइंट है, जो ट्रेन का एंड पॉइंट है, इसके बाद ट्रेन जाती है या नहीं जाती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है। ओके, तो ट्रेन आ चुकी है, और ट्रेन थोड़ा सा आगे जाने के बाद रुक जाती है। ओके, तो फाइनली ये जो ट्रेन है रुकती है अपने इंड पॉइंट पर, रुकती है फिर वापस चली जाती है, जिस तरह से हमारी जो ट्रेनें होती हैं अपने इंड पॉइंट पर रुकती हैं और बैक वापस चली जाती है, उसी तरह से यह भी काम करता है यह जो ट्रेन है पबजी में। आप देख सकते हैं कि जगह जगह स्टेशन है, तो आप स्टेशन पे आके बैठ सकते हैं, ठीक है, स्टेशन पे आके इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं चलिए हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई ये क्या गलीच है, ओ भाई ये क्या गलीच है भाई, ये क्या है, ये क्या है। ओ भाई ओ भाई मानना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप मैप पर क्लिक करेंगे तो आपको मैप में बहुत सारी लाइन दिख जाएगी, रेड लाइन है, येलो लाइन है और ग्रीन लाइन है। तो चलो हम देखते हैं रेड लाइन में क्या है, येलो लाइन में क्या है, ग्रीन लाइन में क्या है। तो जो रेड लाइन है वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी को इसके सामने लेके जाएंगे तो भाई आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, ये जो ट्रेन है ना आपको उड़ा देगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं रेड लाइन पर आ चुका हूँ, और सामने एक बग्गी है, नहीं डार्सिया है,
जो जली हुई है आप देख सकते हैं किसी बंदे ने जलाया है। तो अभी ट्रेन आएगी तो हम ट्रेन के आगे अपने इस व्हीकल को खड़ा करेंगे, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ओके, तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए हम आगे इसके खड़ा कर देते हैं। ओके ओके, ओ भाई रुक जा यार। तो फाइनली हम अपने गाड़ी को ट्रेन के सामने खड़ा कर दिया, व्हीकल को। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या हुआ? अरे अरे, एनिमी आ गया। अरे साहब, ओ भाई, रुको रुको रुको, बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं। ओ भाई अटका दिया, ऊपर भाग गया। तो भाई इसको छोड़ेंगे नहीं यार, ये या हमारी बाइक कैसे लेके भागा साला। रुको बताते हैं अभी इसको। भाई बीटा वर्जन का सेंसिटिविटी भी मैं सेट नहीं किया हूँ, इसके वजह से थोड़ा गलत फायर हो रहा है, तो माफ़ करना ठीक है। देखते हैं अगर सामने बंदा आया तो अभी उसको दे देंगे, ठीक है। ओ भाई आया, पड़ी। ओ भाई फिर सो गया। तो मारेंगे इसको यार, हमारी बाइक कैसे लेके गया चोर साला। रुक जाओ, हमारी बाइक कैसे लेके गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। ओके फाइनली फिनिश फिनिश भाई, हमसे पंगा लेना यानी मौत को दावत देना। ओके, तो थोड़ा सा इमोट उमोट करके दिखा देते हैं यार। अब चलिए जो हम देखते हैं हमारा व्हीकल है वह कैसा, उसकी हालत कैसी है। ओ भाई ये तो जल गया यार। ओ भाई फाइनली ये जल चुका है। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते आगे ले जाने की, क्योंकि अभी हमको जोन में जाना है। अबे हो जा। ओ भाई गाड़ी भी चला दिया साला। तो चलो इसको लूट कर लेते। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे कुछ तो मिला, कुछ तो मिला यार मुझे। दूरबीन टाइप में था कुछ तो, था स्कोप टाइप में था। तो थोड़ा हम देखते हैं बैठ के एक जगह, कहीं सामने से बंदा मार ना दे यार। तो ओके, ओ भाई ये रहा। ओ क्या है, ओ भाई कितना जूम दिख रहा है, क्या है, सब कुछ मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई। कितना दूर तक फायर भी होता है कि नहीं होता है। ओ भाई मार्क हो रहा है, मार्क हो रहा है बस। तो चलिए सबसे पहले हम जोन में चलते हैं और देख लेते हैं इस चीज़ का यूज कैसे करना है और यह काम कैसे करती है, ठीक है। ओ भाई तो आप देख सकते हैं, आप इस चीज़ से दूर दूर के बंदे को इजीली स्पॉट कर सकते हैं भाई। ओ भाई आप देख सकते हैं ड्रॉप पर बंदा है, लूट के जा रहा है। ओ भाई कतई जहर यार, मानना पड़ेगा भाई। तो भाई इसका भी राम नाम सब कर देते हैं हम। आजा आजा। तो फाइनली एक बंदा बचा है, अब हम आपको चिकन लेके दिखाएंगे, ठीक है। चिकन लेके दिखाएंगे और लास्ट में हमको एक पुतला मिलता है भाई, पुतला पहले नहीं था लेकिन अभी ऐड हो गया पुतला। तो चलो ओके, तो फाइनली हमारा चिकन हो गया है। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पुतले का, राइट साइड में प्रोन के ऊपर, ठीक है। तो यह पुतला तो आ गया, लेकिन इस पुतले का काम क्या है भाई? अच्छा धन्यवाद दे रहा है भाई हमको, बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है भाई। अगेन ट्राई अगेन, हम इसकी खोपड़ियाँ तोड़ देंगे भाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और यही सारे अपडेट आने वाले हैं, तो देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।